गुड इवनिंग, जय जिनेन। आप लोग का स्वागत है नेहा के ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी कोई अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी और हम मेरा पूरा परिवार भी स्वस्थ और मस्त है। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही चिल्ड्रंस डे बीत गया है, और आप लोग को जैसा कि पता है कि मैं टीचर हूँ, और मैंने अपने ट्यूशन में टीचर्स डे सेलिब्रेशन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर उस दिन देवान उठनी कुछ मेला होता है रांची में, वो बहुत बड़ा मेला कहता है यहाँ पे लोग सभी, तो वो मेला लगा था। तो सभी बच्चे उस मेला में इधर उधर कहीं कहीं चले गए थे। फिर अभी शादी का भी सीजन चल रहा है, तो कभी किसी के यहाँ घर में शादी, कभी किसी के यहाँ कुछ, तो ऐसे लगा हुआ था। तो फिर आज हमने डिसाइड किया कि हम लोग छोटा ही सा गेट टुगेदर, स्टूडेंट और टीचर का गेट टुगेदर होगा। तो अभी मेरे स्टूडेंट का मैं वेट कर रही हूँ। तो हमने घर में ही छोटा सा ऑर्गेनाइज किया है बच्चे के लिए। बच्चे लोग ने बोला था कि हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे मैम। तो मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा सोचा कि चलो ब्रेड पिज़्ज़ा बच्चे को सिखाएंगे भी असेंबल करना, और उन लोग का मतलब खाने का मन था वो भी पूरा हो जाएगा, और उन लोग को मतलब सीखने का भी एक मतलब अलग कुछ मिलेगा उन लोग को सीखने के लिए। तो अभी यहाँ पे मैं आप लोग को गाइस दिखाती हूँ कि मैंने क्या अपनी तरफ से प्रिपरेशन करके रखा है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सैंडविच ब्रेड मतलब लेके आई थी मैं। ये सैंडविच ब्रेड है, यहाँ पे टमाटर काट के रखा हुआ है, अनियन काट के रखा हुआ है, प्याज, यहाँ पे स्वीट कॉर्न है, और यहाँ पे शिमला मिर्च कटी हुई है, ऑरिगैनो है यहाँ पे, और यहाँ पे ये टमाटोस, ये पिज़्ज़ा सॉस है, उसको मैंने बनाया है होममेड। थोड़ा सा मैंने बच्चों के लिए स्नैक्स आइटम रखा है, तो इसमें ये आलू फ्रेम्स है, और यहाँ पे केक है, और जूस के लिए मैंने ग्लास सेट करके रखा है। जब बच्चे आएंगे तब मैं इसमें जूस लगाऊंगी। और यहाँ पे चॉकलेट है, और थोड़े देर के बाद नूडल्स भी बनाएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि एक पिज़्ज़ा और थोड़ा सा नूडल्स हो जाए तो बच्चे का पेट भी भर जाएगा और बच्चे को मज़ा भी आ जाएगा, और सभी बच्चे को नूडल्स चाउमीन बहुत पसंद आता है। तो मैं वेट कर रही हूँ अपने स्टूडेंट का, और जब वो आएंगे तो मैंने सोचा छोटा सा उन लोग को स्पेशल फील कराने के लिए मैंने यहाँ पे टीके की थाली तैयार करके रखी हुई है। तो सोचा बच्चे को थोड़ा सा टीका निकाल देंगे। तो गाइज, आप लोग मुझे बताना कि मैंने कैसा ब्लॉग बना रही हूँ, मुझे सपोर्ट करना, और क्या कमी है, क्या और ऐड ऑन करूँ मैं, उसका भी मुझे सजेशन आप लोग देते रहिएगा, और मैं बैक टू बैक आप लोग को बताते जाऊँगी कि आज और क्या क्या करने वाली हूँ। वो लोग को आने में 5 मिनट देरी था, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा डेकोरेशन कर लिया है। तो आप लोग बताना, बच्चे को बहुत स्पेशल फील कराने की छोटी छोटी कोशिश की है मैंने, और बैकग्राउंड में मैंने टीवी पे गाना चला दिया है बच्चों लोग का। तो अच्छा, नॉक हो रहा है गेट, लगता है बच्चे आ गए हैं। तो चलिए आप लोग को भी रूबरू कराती हूँ अपने बच्चे से। चलिए गाइस, बच्चे आ गए हैं। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बच्चे आप लोग यहीं पे खड़े रहिए। तो जैसे गाइज मैंने आप लोग को बताया था, मैंने टीका लगाकर बच्चे लोग को वेलकम करूंगी। तो यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ मेरी सबसे छोटी स्टूडेंट को। वेलकम, हैप्पी वीर चिल्ड्रंस डे, खुश रहो बेटा। अब यहाँ पे मैं सेकेंड स्टूडेंट को तिलक करते हुए, ये मैंने तिलक कर दिया है, खुश रहो। और यहाँ पे मेरे थर्ड स्टूडेंट, खुश रहो हर्ष, गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे मेरी फोर्थ स्टूडेंट पल्लवी, अब यहाँ पे खुश रहो पल्लवी। यहाँ पे परी को भी लग गया, सिक्स्थ स्टूडेंट है, खुश रहो परी। बेटे की बारी, इसे भी मैं पढ़ाती हूँ, तो इसका कहना मम्मा मैं आपका स्टूडेंट भी तो हूँ। तो इसे भी मैं तिलक करके, खुश रहो वंश।
और मेरे जो और स्टूडेंट है वो नहीं आए हैं आज, एक्चुअली वो रांची से बाहर गए हुए हैं। तो जब उन लोग वो लोग आएंगे तब उन लोग को कुछ बनाकर या कुछ भी खिला दूंगी, और उन लोग के लिए भी मैं उन लोग को भी याद कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ। जब वो लोग भी होते तो और भी अच्छा लगता। तो चलिए दिखाती हूँ बच्चे आते ही क्या करने लगे। बच्चे आते ही अपना फेवरेट गेम इन लोग का, बच्चे का है उधम बचाना। तो बच्चे बैलून से एंजॉय कर रहे हैं, और चलिए तो हम लोग अब थोड़ा सा डांस वांस करते हैं, क्योंकि पार्टी में डांस ना हो तो पार्टी अधूरा है, है ना बच्चों? Yes, ma'am. तो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा, अच्छा लगा। तो चलिए कुछ डांस का गाना लगाते हैं। वन सुगंध करो। क्या पेड़ है गाइस? बच्चों डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई नहीं देख रहा, करो खुद रख रख के टू टैंकर फुल आंखें बंद डब्बा गुल झुटी खाई की कसम कभी खाई नहीं कभी हाथ मैंने खेतों में तू आई नहीं कभी हाथ मैंने खेतों में तू आई नहीं और कभी हाथ मैंने नहीं हुआ है तेरे गलती से मिस्टेक बेटा। बच्चे हैंड वॉश कर रहे हैं क्योंकि ये लोग पिज्जा खुद असेंबल करेंगे। बैठाते हो चेयर पे, आइए बैठिए। तो यहाँ पे सभी बच्चे बैठ गए हैं, तो अब मैं सभी बच्चे के आगे प्लेट देती हूँ। तो यहाँ पे सभी के प्लेट में ब्रेड आ चुके हैं। तो बच्चों आर यू रेडी? आप लोग एक्साइटेड हो? तो आप लोग आज क्या बनाने वाले हो? वेरी गुड। तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो ना? वेरी गुड। देखो यहाँ पे हर्ष अपना पिज्जा रेडी कर रहा है, वंश अपना पिज्जा रेडी कर रहा है, पल्लवी भी स्टार्ट कर दी है। ये पूरा स्प्रेड करेंगे ये लोग सॉस को। वेरी गुड वेरी गुड। पल्लवी ने अपना स्प्रेड कर लिया है, वंश ने भी अपना कर लिया है, श्रुति ने भी अपना बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर लिया। इसकी हेल्प मैंने की थी। यहाँ पे पड़ी भी स्प्रेड कर रही है, सूर्यांश भी अपना पिज्जा रेडी कर रहा है। आप लोग को अच्छा लग रहा है? अब यहाँ पे गाइस सबके पिज्जा ब्रेड में पिज्जा सॉस लग चुका है। चीज क्यूब मेरे पास था तो मैंने यूज कर लिया है, सबके पिज्जा ब्रेड में लग चुका है। अब ये लोग अपना मन पसंद टॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसका श्रुति का ओनियन लग चुका है, यहाँ पे हर्ष पल्लवी लगा रहे हैं। वंश आप लगाओ, वेटिंग क्या कर रहे हो? तो गाइस हर्ष पल्लवी श्रुति वंश का टॉपिंग हो चुका है। यहाँ पे परी और सूर्यांश अपना टॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे पिज्जा हब्स मैं डाल देती हूँ क्योंकि बच्चे को नहीं ना पता कितना लेना चाहिए कितना नहीं। तो यहाँ पे परी ने बोला मैं खुद से स्प्रिंकल करूंगी, और वंश ने बोला यहाँ पे आई इस चीज की बारी। अब ऊपर से चीज की टॉपिंग होगी, बारिश होगी चीज की। तो चलिए चीज हम मैं खुद से कर देती हूँ सबके पिज्जा में। तो गाइज यहाँ पे ये लोग का पिज्जा अब जाएगा रेडी टू गो बेक। अब बेक होने जाएगा यहाँ का पिज्जा। तो आप लोग एक्साइटेड हो कि आप लोग का पिज्जा कैसा बना है? गाइज जैसा कि मैंने बोला था हम लोग बाद में नूडल्स भी बनाएंगे, चाउमीन मम्मी ने यहाँ पे बना दिया, बहुत ही बढ़िया एकदम डिलीशियस खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे पिज्जा बेक हो रहा है गाइज, लाइट नहीं इन्वर्टर से चल रहा है इसलिए माइक्रोवेव यूज नहीं किया। तो यहाँ पे सबको नूडल चाउमीन चिप्स पिज्जा सॉफ्ट ड्रिंक सबको मैंने सर्व कर दिया है, और बच्चों आप लोग इंजॉय करिए। आप लोग का खुद का पिज्जा बनाया हुआ कैसा लग रहा है आप लोग को खाकर? अच्छा अच्छा लगा। यस मैम। चलिए अच्छा लगा तेरे को? तो
तो यहाँ पे बच्चे लोग खा लिए हैं, पता नहीं बच्चे लोगों को कैसा लगा होगा, बट मैं बहुत दिल से, हम और मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से दिल से ये लोग के लिए सब चीज़ अरेंज किया। और ये छोटा सा मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट बच्चे को। बस तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा और मैंने कितने अच्छे से चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया। पता है चिल्ड्रंस डे बीते हुए हो गए हैं 7-8 दिन, बट चलिए कोई बात नहीं, जब जब मन में खुशियां आए तभी वो त्यौहार अच्छा लगता है। तो आप लोग को तहे दिल से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। वेलकम बच्चा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।